Hi, Vijabhadi. Very good morning. Hi, Priyanshu. Hi, Rohan. Hi, Vili. How are you? Hi, Rohit. What's up? Hi, Nandita. Hello. Very good morning. How are you? Hi Vinay. Hi Shelly. Hi Nisha. Hi Ronak. Hi Shashank. How are you? What's up? Good morning. Good morning. Good morning. Hi Ashish. I'm fine. How are you? Hi Pratigya. Hello. Good morning. Hi Vinay. Hi Ashish. I'm fine. How are you? Hi Daily Courts. Hi Priya. Hi Kushi. What's up? Hi Anshika. हाय वैशाली हाउ यू हाई मनमैक्स नीम इज डिम्पल हाय डिम्पल हाय रौनक हाय आशीष हाय मिली हाय अंशुमन हाउ यू हाई रुद्रम हाय प्रज्ञा हाय आयशा वॉटअप यार आज हम चैप्टर जो करने वाले हैं वो एक्चुअली सबसे बड़ा चैप्टर है बट पता है इस चैप्टर के अंदर एक खास बात यह है कि इस चैप्टर को ना बड़ा ही डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है तो ये जो चैप्टर की स्टोरी है ना मतलब अगर हम इसके क्रक्स की बात करें कि यार इस चैप्टर में है क्या तो वो आपको उतना ज्यादा ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है कि कुछ बहुत ही बड़ी लंबी स्टोरी है बहुत ही प्यारी सी सी स्टोरी है बट अगर हम इसके चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं तो इसमें डिस्क्रिप्शन इतना है कि आज चैप्टर ऐसा है कि इतना बड़ा लग रहा होता है तीन चार दिन लगेंगे इसको करने में ना ऐसा आज हम इसका एनसीईआरटी हाईलाइट करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी केवल वो चीजें हाईलाइट कर देंगे जो जो चीजें हम लोगों को लगता है कि इंपॉर्टेंट है हमें याद रखनी है और एग्जाम में जब इस चैप्टर का रिवीजन करके जाएंगे तो यही यही चीजें रिवाइज करके जाएंगे तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं चैप्टर को बक ने लिखा है और उन्होंने इस चैप्टर को बड़े ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखा है बहुत अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है ये जो चैप्टर है ये चैप्टर एक दुविधा के बारे में बात करता है बेसिकली एक एस, एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बात करता है जो एक बहुत ही बड़ी कह सकते हैं ना एक दौराय पे आकर खड़ा हो गया है क्योंकि ये जो डॉक्टर है ये डॉक्टर के सामने एक तो उसका प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन के लिए कोर्स उसने शपथ ले रखी है और दूसरी और उसका आ, नेशन है आ, अपनी उसकी नेशन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाय अज़रा हाय हाय आशीष ठीक है थैंक यू शैली थैंक यू तो ये दो ये दो एक तरीके से ना दो राय है तो अब या तो वो सेलेक्ट कर सकता है अपने प्रोफेशन को जिसके लिए उसने शपथ ली है कि वो बच, लोगों को जब तक बचा पाएगा और ज, जैसे उसके हाथ में होगा वो ज़रूर बचाएगा और या फिर वो जा सकता है अपने नेशन की तरफ क्योंकि जिसको आज उसे बचाना है वो और कोई नहीं उसके नेशन का दुश्मन है अब ऐसे के अंदर वो किसका चुनाव करेगा क्या ह्यूमैनिटी और उसका प्रोफेशन जीतेगा या फिर वो अपने देश का चुनाव करेगा यही इस चैप्टर के अंदर हम थ्रू आउट देखते हैं तो चलिए फिर फटाफट से इसे हाईलाइट करना शुरू करते हैं चैप्टर की शुरुआत में हमें सदाव होकी के घर के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि वो कैसे बचपन में यहाँ खेला करता था उसने यहाँ पे पाइंस पे चढ़ना भी इन फैक्ट सीख लिया था वो उस, उसके पापा उसे यू नो you know, आइलैंड्स पे ले जाया करते थे और हमेशा कहा करते थे दोज आइलैंड्स योंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान वहाँ पर उन आइलैंड को दिखा कर वो कहा करते थे कि ये जो आइलैंड है ये एक्चुअली स्टेपिंग स्टोन्स है जापान के लिए बेचारा सदाओ पूछा करता था कि हम यहाँ पर स्टेप करके कहाँ जाएंगे उसके पिता कहते थे कि फ्यूचर तो वो होता है जो हम बनाते हैं तो पता नहीं कहाँ जाएंगे हाँ सदा हमेशा इस चीज को दिमाग में रखा करता था और वैसे ही जैसे बाकी सारी चीजों को दिमाग में रखा करता था उसके पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के थे ना तो जोक करते थे ना उसके साथ खेला करते थे बट बहुत ही मतलब जैसे बाकी सारे पिता होते एकदम वैसे ही बहुत ही पेन्स लेकर उन्होंने उसको पाला पोसा था और सदाव को पता था कि उसके पिता के लिए उसकी एजुकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसी वजह से सदाव को 22 की एज पे अमेरिका भेज दिया गया था ताकि वो सब कुछ वो सीख सके जो कि उसे सीखना चाहिए सर्जरी और मेडिसिन के लिए जैसे वो वापस आया तीस साल की उम्र में तो उसके पिता का देहांत हो गया उस वक्त तक सदाव ना तो सिर्फ एक एक बहुत बहुत ही ही अच्छा अच्छा सर्जन बन चुका था, एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट भी बन गया था अभी यहाँ पे क्वेश्चन उठता है बच्चों यहाँ पे कि अभी ये जो पूरा ये तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल गया है अब ये जो पूरा का पूरा चैप्टर सेट है ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सेट है जब जापान और अमेरिका आमने सामने थे अब ऐसे टाइम पर ये चैप्टर सेट है जापान की हम बात कर रहे हैं वॉर के अंदर जापान है तो नेचुरली सारे लोग वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और खास करके एक ऐसा डॉक्टर जो इतना ज्यादा काबिल हो फिर भी उसको ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया क्यों नहीं भेजा गया क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वून्स इंटायरली क्लीन वो एक ऐसी डिस्कवरी पे काम कर रहा था जिससे घाव पूरी तरीके से भर जाएंगे इसके साथ साथ में एक स्लाइड डेंजर था कि ओल्ड जनरल को ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी और वहां पे सदाओ के अलावा उसका ऑपरेशन और कोई नहीं कर सकता इसी वजह से सदाओ को जापान के अंदर ही रोक दिया गया था अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया है कि वो जापान में क्यों था अब इतना जब क्लियर हो गया है तो हम आ गए हैं आज पे तो अभी तक हम समझ चुके हैं सदाव कैसा है उसके बाद हम समझ चुके हैं कि ये स्टोरी कहाँ पर सेट है और अब हम आ चुके हैं आज पे यानी आज क्या हो रहा है ये स्टोरी की शुरुआत यहाँ से हम करने वाले हैं ओके okay, अब इस टाइम पे हम देखते हैं क्लाउड्स वो राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ क्लाउड्स जो है वो ओशन से उठ रहे थे ठीक है हम देखते हैं किस तरीके से वो आसपास सारे नजारे देख रहा होता है देख रहा होता है कि कैसे कुछ दिनों से कुछ गर्मी की वजह से यहाँ से एकदम है ना एकदम हैवी फॉग हो गया है इतना ज्यादा फॉग हो गया है क्योंकि जब ठंड होती है और इसमें एक अजीब सा वॉर्म होता है तो बोला एक अजीब सा फॉग हो गया है और उसने पूरी तरीके से आसपास के एरिया को घेर लिया है सदाओं ने अपने के सामने उस को पूरी तरीके से आइलैंड को घेरते हुए देखा वो फॉग जो ऊपर बीच पे यू नो धीरे धीरे चढ़कर आ रहा था और मान लो ऐसा लग रहा था जिसे वो घर को भी पूरी तरीके से घेर लेगा उसने सोचा कि फिर उसके बाद में जब वो देख लेगा ये सब कुछ कवर होते हुए क्योंकि वो भी एक सेटिस्फाइंग चीज होती है तो वो हाना यानी उसकी वाइफ के पास जाएगा और अपने दो बच्चों से भी मिलेगा अब ऐसे में जब इस मोमेंट पे उसने ये सोचा ही था कि इतने में दरवाजा खोल के हाना आ जाती है और हाना आकर वहाँ पे एकदम उसने ब्लू कलर का यू नो कि, किम हावरी पहना हुआ होता है और वो वहाँ पर एंटर करती है और एंटर करके स्माइल करके एकदम अपना आम जो है उसके आम के थ्रू पुट करके और खड़ी हो जाती है उसको देखते ही उसे याद आता है कि कैसे वो हाना से अमेरिका में मिला था बट उसने आहाना को प्रपोज करने के लिए काफी समय लिया क्योंकि वो श्योर हो जाना चाहता था कि वो एक जापानीज है उसके पिता कभी नहीं मानते उनकी शादी को अगर वो अपने रेस में प्योर नहीं होती कभी कभी तो वो सोचता है ये एक क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कभी कभी तो वो सोचता है कि अगर उसकी शादी उससे नहीं हुई होती हाना से नहीं हुई होती तो किससे हुई होती क्योंकि वो हाना से बड़े ही कैजुअल तरीके से बाई चांस मिला था वो भी एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे, ठीक है तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे बात यह है कि प्रोफेसर और उसकी वाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा काइंड पीपल थे वो सारे के सारे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए गेट टुगेदर अरेंज करते ही रहते थे बट स्टूडेंट्स अब इस गेट टुगेदर वाली चीज से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुके थे है ना बहुत ही बोर हो गए थे सदाव बहुत बार हाना को बताता है कि यार तेरे को क्या बताऊं उस दिन इस गेट टुगेदर पे मेरे को आना ही नहीं था वो तो मैं ऐसे ही आ गया था क्योंकि मेरे को ना ये प्रोफेसर का घर ही पसंद नहीं है उनके यहाँ पे रूम्स बड़े छोटे हैं फूड इतना गंदा है प्रोफेसर की वाइफ इतना बोलती है है, बट फिर भी जब मैं वहां आया मैंने तुम्हें देखा और देखते ही वो बताता है कि उसे हाना से प्यार हो गया बट वो हाना को ये चीज़ नहीं बताना चाहता था वो हाना को प्रपोज नहीं करना चाहता था जब तक कि वो श्योर नहीं हो जाता कि हाना जापानीज है उसने बस उसको देखते ही सोचा था कि अगर पॉसिबिलिटी होगी तो वो जरूर हाना से शादी करेगा अब जब वो आना को अपने पास देखता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है और उन दोनों के बीच में उतना प्यार है कि आ, वो एक दूसरे के बीच में वो स्पार्क महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में अमेरिका में शादी नहीं की थी उन्होंने सबसे पहले अपनी पढ़ाई खत्म की और उसके बाद में अपने माता पिता को बताया और जापनीज तौर तरीकों से फिर उनकी शादी करवाई गई अब यहां पर ये दोनों इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं कि इतने में कुछ ब्लैक ब्लैक मिस्ट से निकल कर आ रहा होता है उन्हें पता होता है कि ये ये तो एक इंसान है एक इंसान जिसे लगता है क्योंकि वो फ्लंग हो गया था तो ऐसा लग रहा था कि जरूर इसको लग गई है इसको चोट लगी है और इसी वजह से ये ऐसा चल रहा है इसके बाद में इन दोनों का एक ही रिएक्शन होता है और खाना कहती है कौन है वहां पे वो सदाव की आम को छोड़ती है और आगे की तरफ झुकती है अब उन दोनों को फिर से वो इंसान दिखने लगता है जो धुंध में पहले छुप गया था उन्हें नजर आता है कि ये इंसान अपने मुंह के बल नीचे गिर गया है इसके बाद मैं यहाँ पे सदाओ जवाब देता है और कहता है कि जरूर ये एक फिशरमैन होगा जो कि अपनी बोट से बह गया होगा अब ये चीज वो सोचता है क्योंकि ऑफ कोर्स और तो यहाँ पर कौन ही आ सकता है वो दोनों उस तरफ भागते हैं और भागकर अभी तक ये सोच रहे हैं कि यार यहाँ पर भी ये इंसान कैसे आ गया क्योंकि ये जो कोस्ट है ये तो बहुत ही ज्यादा लोनली कोस्ट है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस कोस्ट है ऐसा इसके लिए है क्योंकि इस कोस्ट पे पूरी तरीके से रॉक्स लगे हुए हैं रॉक्स से स्पाइक्ड है अगर ये इंसान वहां से समुद्र से बच भी गया होगा तो ये बात तो शोर है कि यहां से निकलने के लिए वो पूरी तरीके से छिल गया होगा पत्थरों ने उसे पूरा छील दिया होगा इसके बाद में वो दोनों जब उसके करीब पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है सदाऊ उसे देखता है और कहता है ये तो जख्मी है उस इंसान की तरफ भागता है और उसके यू नो सर से एक ओल्ड कैप जो है वो निकल कर नीचे गिर जाती है उसके कपड़े एकदम पूरी तरीके से भीगे हुए होते हैं सदाव रुकता है हाना भी उसके पास में रुकती है और बड़े ही धीरे से बोलती है व्हाइट मैन क्योंकि उसकी कैप गिर जाती है तो उसके येलो बाल दिखने लगते हैं उसका सफेद चेहरा दिखने लगता है तो उसको देखते ही हाना कह देती है कि अरे ये तो एक वाइट मैन है तो अब इतने में हाना ने बोला कि अरे यार ये तो वाइट मैन है तो सदाव अब कर तो क्या सकता था उस टाइम पे ना उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आ, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन की बात करी थी देखो यहाँ कितना खतरनाक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे उसको देखकर लग रहा था उसको काफी हफ्तों तक उसके बाल वाल नहीं कटे हैं मतलब ना उसका ख्याल नहीं रखा हुआ है वो अभी अनकॉन्शियस था और उसको नहीं पता था यहाँ पर क्या चल रहा है सदाव एक बार उसको अच्छे से घूर रहा था और जज कर रहा था इतने में सदाव को याद आया कि अरे अरे वूड भी तो है इसका जख्म भी तो है तो फटाफट से अपनी एक्सपर्ट फिंगर से वो उसको उसको सर्च करने लगा। उसको जैसे ही वो जख्म ब्लैक तो तो right तो हो चुका है पाउडर से इसका मतलब ये है कि इसे गोली लगी है और गोली लगकर इसका ख्याल नहीं रखा गया है और वो गोली वाला जो जख्म था वो आ, इन रॉक्स की वजह से खुल गया है रीओपन हो गया है अब एकदम हाना उसे देखती है और कहती है कि इसको कितनी तेजी से खून बह रहा है अब पूरी तरीके से उन्हें धुंध यू नो कवर कर देती है और इतने में उन्हें ऐसा लगता है कि चलो अभी तो फिलहाल बीच पे कोई नहीं है फिशरमैन अपने घर जा चुके हैं बीच कॉम्बर्स कोई भी यहां पर नहीं होगा अभी वो जो भी करेंगे वो शायद उन्हीं के बीच में होगा अब इतने में दोनों के दिमाग में एक सवाल आता है और सदाव तो पूछ ही लेता है कि इसके साथ अब हमें क्या करना चाहिए अभी तक वो बातें कर रहा है पर बातें करने के साथ साथ उसका हाथ उसका काम करते

क्योंकि अभी तक खून रुक गया था रुक गया था इसी वजह से उसने ऐसा आ, सोचा हाना ने घूरती उसके दिमाग में आ, एक सवाल आ रहा था और सवाल सदाव के मुंह से निकला उसने कहा अगर एक वाइट मैन को अपने घर पर लेकर जाएंगे तो हम अरेस्ट हो जाएंगे तो और अगर हम इसको एक प्रिजनर की तरह दे देंगे तो अफकोर्स ये कैसे मारा जाएगा तो काइंडेस्ट थिंग जो हो सकती है हाना ने कहा इसको समुद्र में वापस फेंकना ही सही होगा ये बातचीत करके वो दोनों में से एक भी इंसान टस का मस नहीं हुआ वो दोनों घूरते रहे उस इंसान को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई तो उसके साथ में कनेक्शन है हाना बोली अरे क्या है ये ऐसा क्यों लगता है कि ये अमेरिकन है उसको ऐसे उसको ऐसा फीलिंग आया और फिर उस कैप के ऊपर उनकी नजर उस उन लेटर्स पर पड़ी जो पेंट हो चुके थे और वहां पर लिखा हुआ था अ सेलर बेसिकली ही वो सेलर क्योंकि उसकी कैप पे लिखा हुआ था यूएस नेवी तो ना तो ये इंसान सिर्फ एक वाइट मैन है पर ये इंसान एक अमेरिकन भी है और ना तो सिर्फ ये अमेरिकन है ये यूएस नेवी में था यानी कि ये वॉर का हिस्सा भी था और वॉर में जरूर इसे पकड़ लिया गया है इसीलिए तो तो साथ इकट्ठे हो गए थे ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर था भागने की इसने कोशिश की होगी इसीलिए पीछे से इसे शूट कर दिया होगा और ये बहता बहता इस किनारे पर आ गया होगा ये भागा इसीलिए पीछे से शूट किया गया ठीक है अब इतने में एकदम से दोनों की दिमाग में ये बात क्लियर हो गई थी कि इसको तो वापस फेंकना ही है समुद्र में और इसीलिए उन्होंने कहा कम आई वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू सी तो इतने में सदाओ ने बोला कि ठीक है अगर मैं थोड़ी हिम्मत करके इसको समुद्र में फेंकू तो तुम फेंक पाओगी तो आना कहती है नहीं नहीं तुम ही फेंको हाना बोल आ, हाना की बात सुन के सदाव अपने मन की बात कह देता है सदाओ कहता है कि मैटर ये है ना कि अगर ये इंसान स्वस्थ होता तो मैं इसे तुरंत पुलिस को हैंड ओवर कर देता मुझे कोई तकलीफ नहीं थी मेरे को इसकी कोई परवाह नहीं है ये मेरा दुश्मन है सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है और ये तो एक बेवकूफ सा देखो ना इसकी शक्ल देखो कैसा मूर्ख सा दिख रहा है बट क्योंकि ये इंसान है जख्मी है तो एज अ डॉक्टर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं कि मैं इसे छोड़ दू या फिर मैं इसे समुद्र में फिर से फेंक दू हना ने कहा अच्छा तुम भी नहीं फेंक पाओगे तब तो एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं और वो ये है दैट वी मस्ट कैरी हिम इन टू हाउस तो सदाओं ने कहा पर सर्वेंट्स का क्या होगा हाना ने कहा कि कोई बात नहीं सर्वेंट्स को सच बता देंगे उन्हें बता देंगे हम यही तो करने वाले है ना सदा सदाओं ने कहा यही करने वाले हैं इसके अलावा तो मैं कुछ और करने का सोच भी नहीं सकता तो उन दोनों ने अग्री किया और साथ में उस इंसान को उठा कर ले गए वो इंसान बहुत ही हल्का था एकदम एक फाउल एक चिकन के जैसे चिक के जो छोटा सा चूजा होता है ना एकदम वैसा ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे बहुत टाइम से खाना नहीं मिला है उसकी आर्म्स लटकी हुई थी और वो दोनों उसको उठाकर सीढ़ियां चढ़कर और ले गए घर के अंदर उन्होंने पैसेज का दरवाजा खोला और उस इंसान को एक एम बेडरूम के अंदर जाकर लेटा दिया ये जिस बेडरूम के अंदर ये लोग इसको लेटा रहे थे ये बेडरूम उसके पिता का था सदा के पिता की डेथ के बाद में इस बेडरूम को कभी खोला नहीं गया था इस बेडरूम के अंदर सारी चीजें एकदम जापानी स्टाइल में थी जैसे कि हम शिनचैन डोरे मिंजा तोड़े में देखते हैं तो एकदम वैसे ही था यहाँ पर कोई फॉरेन बेड नहीं था मैट्रसेस लगाया करते थे वो तो कभी टेबल पर भी बैठ कर काम यू नो खाना नहीं किया खाया करते थे तो यहाँ पर उन्होंने फटाफट से उसे लेटाया और एकदम से उसे ओढ़ाने के लिए हाना एक बहुत ही प्योर सिल्क का क्विल्ट लेकर आई एक यू नो ओढ़ने के लिए एक चादर लेकर और और उसने कहा यार ये 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 तो 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 इतना गंदा है 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 इसके ऊपर तो मैं ये ये नहीं पूरा पूरा का पूरा खराब हो जाएगा ये वाइट भी भी तब उन लोगों ने चीज पे ध्यान दिया कि इस इस इंसान इंसान के साथ जो भी करना 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 वो तो बाद में में सबसे पहले तो इस को साफ करना जरूरी है। और ऐसे पहली -फट तो नहीं, नहीं -फट सर्वेंट को बताती हूं, तुम ये मत घर की कुक है जो कि तब से है जब से सदाओ के पिता भी मौजूद थे और सदाओ एक छोटा बच्चा था दूसरा सर्वेंट घर का गार्डनर है वो सबसे पुराना है क्योंकि वो भी सदाओ के पिता के जमाने से है उसने सदाओ को नफीज में देखा है ठीक है और तीसरी सर्वेंट युमी है जो कि सदाओ के बच्चों की नानी है ठीक है और वो अभी अभी, अभी आई है जब से ऑफकोर्स ये बच्चे हुए हैं right, तो ऐसे में उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो सर्वेंट्स को बता देंगे सदाओ ने कंसिडर किया उसने बोला चलो बता देते हैं अब फटाफट से उस वो जैसे के जाने लगे तो उन्होंने देखा कि वो इंसान के अनकॉन्शियस फेस पे एक अजीब सा पीला कलर आ गया था इतना ज्यादा उसका फेस कलरलेस लग रहा था कि सदाओ को डर लगा इतना डर कि वो नीचे झुका और झुक के उसने देखा कि पहले इसकी नर्व्स चेक कर लेता हूँ कहीं मर तो नहीं गया उसने देखा कि इसकी नर्व फेंड थी पर नव अभी भी थी उसने फटाफट से उसकी धड़कन सुनी और उसने देखा कि धड़कन भी अभी मौजूद है अब ऐसे में यहाँ पे सदाओ ने अपने आप से डिस्कशन करना शुरू किया और हाना भी इस डिस्कशन का पार्ट बन गई एक्चुअली माजरा ये था कि आ, उसको ऐसा लग रहा था कि अगर ये इंसान इन दोनों के बीच में ये कन्फ्यूजन चल रहा था कि अगर इस इंसान का ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये इंसान मर जाएगा पर सवाल ये है कि ऑपरेशन अगर कर दिया गया तो क्या ये ऑपरेशन से वैसे नहीं मर जाएगा और अगर ये ऑपरेशन से बच गया तो जब हम इसे हैंड कर रहे होंगे पुलिस को तो वो उसको एक बार में नहीं मार देंगे तो अगर हर केस के अंदर ये मरने ही वाला है तो फिर इसका ऑपरेशन करे कि नहीं करे और हाना को तो इतना भरोसा था सदाओ के ऑपरेशन करने पे पे हाना को इस बात पे पूरा भरोसा था कि जैसे ही सदाओ इसका ऑपरेशन करेगा ये इंसान एकदम ठीक हो जाएगा वो अलग ही डर रही थी उसे तो ऐसा लग रहा था कि ये इंसान ठीक होके कहीं हमें मारने की तैयारी ना कर ले तो उसने कहा छोड़ो ना सदाओ अगर इसको मरना ही है तो फिर क्यों ऑपरेशन कर रहे हो हाँ, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये डिस्कशन हुआ और ये डिस्कशन बीच, बीच में ही छूट गया वो दोनों अभी सोच रहे थे कि आखिरकार इसके साथ में क्या होना चाहिए और इसका नतीजा क्या निकलेगा और वो चले गए सर्वेंट्स को बताने के लिए कि आखिरकार आज उनके साथ क्या हुआ है ऑल राइट right. उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले तो इसको वॉश कर देना चाहिए और इसीलिए वो दोनों बाहर निकले बाहर निकलते ही उन्होंने सर्वेंट्स को बताया वो फटाफट से युमी के पास गई और युमी को उसने आवाज लगाई उसकी आवाज सुन ली थी बेबी ने तो फटाफट से वो बेबी के पास भी गई और उसने युमी को सारी बात बताई उसने कहा कि तुम एक बकेट लेकर आओ गर्म पानी लेकर आओ कुछ तौलिए लेकर आओ और आकर उस व्हाइट मैन को साफ करो जो हम लेकर आए हैं जिसको हम लेकर आए हैं और हमारी मदद करो ये बात जब वो युमी को बता रही थी तब तक वो किचन तक आ गई थी यहाँ पर बाकी सारे सर्वेंट्स भी मौजूद थे ये बाकी सारे सर्वेंट्स जो यहाँ पर खड़े हुए थे उनमें से गार्डनर ने बोला द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वूंड ऑफ दिस वाइट मैन उन्होंने कहा मास्टर को इस इंसान के जख्मों को नहीं ठीक करना चाहिए द वाइट मैन ऑट टू डाई ये वाइट मैन का मरना निश्चित है इसको मरना इस, इसे मरना ही चाहिए फर्स्ट ही वॉज शॉर्ट देन दी कॉट हिम एंड वूंड हिम वूडेड हिम विद हर रॉक्स इफ द मास्टर बोला ठीक करने का नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये पहले तो शूट किया गया बहकर आ, आ गया उसके बाद इसको रॉक्स ने मारा यार अगर ऐसे केस में आप इसको बचा लोगे तो फिर गन सी रॉक्स ये सब मास्टर से बदला लेंगे अब देखो यार हाना इतनी सुपरस्टिशियस तो नहीं थी जितना की ये था ठीक है उसको ये तो नहीं पता था कि भाई ये सब होगा या नहीं होगा पर उसे ये बात जरूर पता थी कि इस दुनिया के अंदर एनिमी की मदद करके आखिरकार किसी का भला हुआ है उसने कहा चलिए छोड़िए फटाफट से युमी को उसने बोला कि लेकर आ जाओ बकेट और उसको भी साफ करते हैं जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो युमी ने उसे देखा और युमी ने कहा देखो भाई मैंने जीवन के अंदर किसी आदमी को साफ नहीं किया है और एक वाइट मैन वो भी इतने गंदे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी इस बात को सुन के आना को गुस्सा बहुत आया और उसने उसको डांटा भी और कहा कि देखो तुम वो करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रही हूं चुपचाप इसे साफ करो पर युमी के अंदर एक ऐसा रिपल्जर उसे देखने को मिला एक ऐसा आ, मैं कह सकती हूँ एंगर उसके अंदर देखने को मिला कि हाना को डर लग गया हाना को लगा यार क्या पता ये जाकर कहीं किसी को कुछ बता ना दे और इसीलिए हाना ने अपने आप को फिर से कंट्रोल किया और कंट्रोल करके एकदम से उसने अपनी You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. तो बोला देखो हम और कुछ नहीं करना चाहते हैं हम सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को सेंसेस में लेकर आना चाहते हैं ताकि एज अ प्रिजनर हम लोग टर्न यू नो कर दें uh, दे दें ठीक है तो इतने में युमी ने कहा देखो मैं तो गरीब इंसान हूँ मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसके साथ क्या करोगे क्या नहीं करोगे हाना ने कहा ठीक है फिर जाओ जाकर अपना काम करो युमी वहां से चली गई पर हाना ने एकदम से उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ हाना कहती है ये पागल है ये इज दिस एनीथिंग थिंग मैन ये एक इंसान है बेचारा वोटेड हेल्पलेस इंसान है और ये, ये सोच रही है कि अरे इसको मैं साफ नहीं करूंगी एक इंसान की मदद करने में कैसी शर्म है तो इस तरीके से वो अपने आप से बात कर रही होती है और बात करते करते उसे साफ करने लग जाती है उसे साफ करते करते उसे रियलाइज होता है कि ये इंसान का फेस एकदम से ना उसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा रफ हो गया है एक्सपोजर की वजह से जब वो छोटा हुआ रहा होगा तब ये बहुत ही ज्यादा ब्लॉन्ड यानी बहुत ही गोरा रहा होगा ये सारी चीजें जब वो सोच रही थी तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि वो इस इंसान को साफ कर रही है क्योंकि इंसान अब एक छोटा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं रहा था उसको डर लग रहा था उसे यू नो पीछे पलटने के लिए भी क्योंकि वहीं पर वूंड था वो इंतजार कर रही थी सदाव का और जैसे ही उसने सोचा वेर इस सदाव इतने में सदाव की एंट्री हो जाती है और जैसे ही सदाव की एंट्री हो जाती है तो एंट्री पे हम देखते हैं कि सदाव एकदम बढ़िया सर्जन का कोट पहन कर आया है उसके हाथ में उसका सर्जन एमरजेंसी बैग है दैट मीन्स सदाव ने डिसाइड कर लिया है कि वो ऑपरेट करेगा अभी सदाव ने कहा जी बिल्कुल मैं ऑपरेट करूंगा वो आया और आकर उसने एक टाल पर अपने यू नो फ्लोर पे टोको के सामने सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स रख दिए जो उसकी मदद करने वाले हैं ऑपरेट करने के लिए उसके बाद में जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शंस देता गया हाना उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती रही अभी ऐसे लग रहा था कि यार कही कहीं ना कहीं फ्लोर की कवरिंग खराब ना हो जाए इसी वजह से वो बाहर गई उसने सोचा कि कुछ आ, एक्स्ट्रा मैट पड़ा हुआ है तो वो अल्लाह के अंदर इसके नीचे लगा देती हूँ ताकि फ्लोर जो है वो बचा रहे जैसे ही वो वापस आई तब तक फ्लोर ऑलरेडी खराब हो चुका था पर सदाव को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था वो तो सदाओ को अब ओबे करने लग रही थी नर्स की तरह उसकी मदद कर रही थी ताकि से सदाओ इस इंसान का ऑपरेट ऑपरेशन अच्छे से कर पाए साथ ही साथ वो बातें भी बताने लग रही थी कि देखो यार यूमी तो इसको साफ करने के लिए तैयार नहीं थी और सदाओ उसका रिप्लाई कर रहा था और काफी बार उसे इग्नोर भी कर रहा था पर उसकी आदत थी वो हमेशा से ये जानती थी कि सदाओ जब भी कोई काम करता है तो एकदम मन से करता है और इसी वजह से वो कभी कभी उस काम में इतना खो जाता है कि उसकी बात नहीं सुनता तो उसे इस बात की आदत पड़ी हुई थी अब इतने में सदाओ ने कहा यू विल हैव टू गिव एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट तुम्हें एनेस्थेसिया देना पड़ेगा अगर इसको जरूरत पड़ी हाना हाना को कभी भी, हाना ने कभी भी भी ने ऑपरेशन आंखों के सामने नहीं देखा था तो वो क्या ही देती बट इतने में सदाओ ने बोला चिंता मत करो बहुत ही आसान है पर ये तुम्हें ही करना पड़ेगा मैं नहीं कर सकता अब जैसे ही उसने वहां पर उसकी पैकिंग हटाई तो ब्लड एकदम फ्रेशली वहां से फ्लो करने लगा जैसे ही वहां से बहुत तेजी से खून निकलने लगा तो हाना ने उसे देखा और हाना ने जैसे उसे देखा तो एकदम से वो बाहर की तरफ भागी क्योंकि इस तरीके से खून बहता हुआ उसने कभी नहीं देखा था उसका फेस एकदम सल्फर के जैसा हो गया था ऐसा लग रहा था उसे भयंकर उल्टी आएगी और वो उल्टी करने के लिए बाहर चली गए अब ऐसे में वो भी अपनी बीवी के साथ बाहर जाना चाहता था उसकी तबीयत खराब थी उसकी मदद करना चाहता था पर उसे पता था कि इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई अभी अगर मैं रुक गया तो ये इंसान हंड्रेड परसेंट मर जाएगा वो सुन पा रहा था बाहर की कि वो किस तरीके से उल्टी कर रही थी पर वो अपना काम करते रहा ऐसे में कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा था कि अच्छा होगा अगर उसका स्टमक एमटी हो जाए बट ऐसे में क्योंकि उसने देखा था कि उसकी बीवी इतनी ज्यादा बीमार थी उल्टियां कर रही थी और वो इस इस पूरे बीमारी के पीछे वजह थी तो ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन वजह वजह था इसी से वो हो गया इरिटेबल irrit, हो गया और उसके चाकू के नीचे उस इंसान को वो ऐसा फील करने लगा कि ये इंसान है तो मेरा दुश्मन ही ये जो इंसान है ना इसकी वजह से देख लो मेरी बीवी बाहर एकदम एकदम उल्टियां कर रही है और उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई है अपने आप से बात करते हुए कहा दिस मैन देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव अपने चाकू के नीचे कहता है ये इंसान ना ये इंसान कोई रीजन ही नहीं है इसके जिंदा रहने का इस इंसान को तो मर जाना चाहिए एनीवे anyway, वे अभी ये चीज़ वो कहीं कही ना कहीं सोच रहा था पर उसके एक्शन के अंदर दिख रहा था क्योंकि उस वो एक्शन में बहुत ही ज्यादा रूथलेस हो गया था वो इंसान जो है वो जैसे ही यू uh, नो you know, अपने एक्शन जो भी कर रहा था सदाव uh, जैसे ही वो उसको टच भी कर रहा था उसके वून को टच भी कर रहा था वो इंसान मोन करने लगा कराने लगा पर सदाओ ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया सदाओ ने कहा हाँ हाँ ग्रोन ग्रोन इफ यू लाइक आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्ल इंग अरे चिल्ला यार चीख जितना चीख चीख रहा है उतना मैं अपने फायदे के लिए अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ ये सब अरे मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ और इतने में हाना आ गई और हाना ने कहा चलो मैं दे देती हूँ सदाव ने उसे बताया कि एनेस्थेटिक पे पड़ा हुआ है और फिर उसके बाद उसने बताया कि कैसे अभी इसको एनेस्थेटिक देकर और हमें बेहोश करना होगा इसके बाद में सदाओ के यू नो एकदम से वो uh, 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 सदाओ के इंस्ट्रक्शंस को सुन के हाना उस अमेरिकन के पास गई और उसने सोचा कि यार ये इंसान चाहे जानता हो चाहे नहीं जानता हो ये इंसान सफ़र तो कर रहा था इतनी सारी कहानियाँ हम लोगों ने सुनी थी प्रिजनर्स के सफरिंग के बारे में और इसको देख लगता है कि वो कहानियां एकदम सच थी अब यार न्यूज़पेपर्स में मैगजीन्स में तो सारे के सारे आर्मी की तारीफें ही की जाती थी कौन यहाँ पर उन्हें बताता था कि किस तरीके से वो प्रिजनर्स को ट्रीट करते हैं बट जब इधर उधर से अफवाह आती थी कि कैसे प्रिजनर्स को ट्रीट किया जाता है तो यू you नो know, थोड़ा सा ऐसा लगता था कि क्या हम इतना ज्यादा इन्हें टॉर्चर करते हैं बट जब इसने आंखों के सामने इस इंसान को ऐसे देखा तो समझ गई थी कि प्रिजनर्स को टॉर्चर हंड्रेड तो परसेंट किया जाता है उसके दिमाग में जनरल टाकीमा आए जो कि अपने खुद की वाइफ को मारा करते थे एक इंसान जो अपने पावर में अपनी वाइफ को मारा जा सकता मार सकता है वो इंसान एक प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ तो क्या ही करेगा सो so, ऐसा ही उसने सोचा कि वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है इसे टॉर्चर कर सकता है अंदर ही अंदर सोचने लगी कि काश इस इंसान के साथ कुछ टॉर्चर नहीं हुआ हो काश ये इतना ज्यादा सफर नहीं कर रहा हो और इतने में ही उसने डीप रेड स्कार्स देखे उसके नेक पर और वो बिल्कुल उसको देखकर घबरा गई पर सदाओ का फोकस उन स्कार्स पे नहीं सिर्फ और सिर्फ उस जख्म पे था जिसको वो ऑपरेट कर रहा था उसका इंस्ट्रूमेंट एकदम से किसी चीज से जाकर जा टकराया और उसे ऐसा लगा कि यही जरूर गन है यही जरूर बुलेट है बट ये बुलेट किडनी के काफी करीब लग रही है उसने फटा फट से एकदम से छोड़ा उसे और मतलब अंदर से तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि चलो अच्छी बात है बुलेट एकदम से फाइंड कर ली है बट देन उसको अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि किडनी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो उसके एनाटॉमी प्रोफेसर ने हमेशा कहा था कि अगर तुम किसी भी बॉडी पर ऑपरेशन करते हो और इस तरीके से नहीं करते जैसे कि इस बॉडी को तुमने बनाया है तुम एक-एक एटम -एक को जानते हो तो तुम हत्या कर रहे हो एक सर्जरी वैसे ही होनी चाहिए सर्जरी में एक एक एटम की जानकारी बॉडी की तुम्हें होनी चाहिए तो सदाओ अपने हाथ से एकदम सदाओं करने लगा इन्वेस्टिगेट करने लगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अ कार्डिनल सिन में आ, उसको भी पाप लगे और हो सकता है ये किडनी में ज्यादा इन्वॉल्व हो और ये आ, मर जाए इंसान जैसे ही उसने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इसको प्रूफ किया थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो उसे पता चला कि ये किडनी के पास नहीं है और उसके मुंह से निकला इट्स नॉट क्वाइट आदत थी अपने पेशेंट से बात करने की और बात करते करते वो उन्हें फ्रेंड बुलाया करता था पर आज ये किसको फ्रेंड बुला रहा था जो इंसान उसका एनिमी था एक एनिमी को फ्रेंड बुला रहा था माई फ्रेंड उसने बोला भूल गया था कि ये उसका एनिमी था आयरनी है यहाँ पे इसके बाद में फटाफट से वो अपने प्रसाइस एकदम बहुत ही काबिलियत जो उसके अंदर थी उसने इतने टाइम से सर्जरी प्रैक्टिस की हुई थी अपनी काबिलियत के साथ में बहुत ही बहुत ही क्लियर स्विफ्ट मूवमेंट्स के साथ में कट्स के साथ में उसने बुलेट को बाहर निकाल दिया जैसे ही बुलेट बाहर आई वो इंसान थोड़ा हिला और एकदम से अनकॉन्शियस हो गया उसने कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी बोले उसने कहा गट्स दे गॉट माई गट्स हाना जोर से चिल्लाई पर हाँ सदाओ ने बोला चुप हो जाओ वो इंसान इतना जल्दी से चुप हो गया इतना जल्दी से चुप हो गया कि सदाओ को लगा कहीं ये मरवर तो नहीं गया इस पॉइंट पे सदाओ को पता था कि वो चाहे तो इस इंसान को यहीं पे छोड़ सकता है मरने के लिए और अगर वो चाहे तो वो अभी भी इसे बचा सकता है तो वो क्या करे ऐसे में उसने डिसाइड किया कि वो इस इंसान को बचाएगा मेरे को नहीं पसंद है कि ये इंसान मेरे सामने जी रहा है पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसे एनेस्थेसिया तो हम और नहीं देने वाले हैं पर उसकी पल्स को रेगुलेट करने के लिए उसने फटाफट से एक छोटा सा आ, मैं कह सकती हूँ छोटा सा होता है ना एक बॉटल होती है ग्लास की उससे सिरिंज को भरा ठीक है जो सुई होती इंजेक्शन होता है उसको भरा और उस इंजेक्शन को उस इंसान के रिस्ट में मतलब उस इंसान को उसके अंदर थर्स्ट कर दिया लेफ्ट आर्म में जैसे ही उसने इंजेक्शन को नीचे रखा तो उसने महसूस किया कि उस इंसान की जो पल्स है वो वापस से रेगुलर हो रही थी ऐसा देखकर उसने कहा यार कुछ भी हो जाए ये इंसान तो मुझे लगता है जिएगा भाई ये ये इंसान इस इतने ज्यादा इसको बुलेट लगी समुद्र में बह गया इसे रॉक्स ने छलनी कर दिया इतना खतरनाक ऑपरेशन झेल लिया उसके बावजूद भी इसकी पल्स एकदम नॉर्मल है मतलब ये इंसान तो जीकर ही रहेगा थोड़े दिनों के बाद ये जो यंग इंसान है इसकी आंखें खुली ब्लू आईज इसकी थी बेचारा इतना ज्यादा डरा हुआ था इसे पता नहीं था कि एक्टली exactly कहां पर है किन के पास है इसको थोड़ी पता था कि किस तरीके के कि इलाज किया था बट जैसे है और उससे माफी मांगने लगी और माफी मांगने के बाद जब वो इंसान डरा हुआ दिख रहा था तो हाना ने कहा बोला आप डरो मत और वो एकदम से खुश हो गया देखकर इंग्लिश आती थी तो वो समझ गया था कि हाना शायद बाकी सारे जापानीज

उसने फटाफट से उसको नीचे वापस से लेटाया और इतने में उस इंसान ने सवाल पूछा तुम तो मेरे साथ क्या करने वाले हो आई यू गोइंग टू हैंड मी ओवर क्या आप मुझे पुलिस को हैंड ओवर कर दोगे सदाओ ने थोड़े टाइम तक तो आंसर नहीं किया और उसके बाद में उसने आंसर किया और कहा आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शैल डू विथ यू मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे को आपके साथ क्या करना चाहिए हाँ मुझे पता है मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे आपको पुलिस को हैंड ओवर करना चाहिए क्योंकि आप एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो अब इतने में जब उसने ये कहा तो मानो जैसे वो इंसान कुछ तो कहना चाहता था पर सदाओ उसकी बात सुनना नहीं चाहता था तो सदाओं ने एकदम ऐसे उसे रोका और कहा कि जब तक मैं तुमसे तुम्हारा नाम भी ना पूछू तो अपना नाम तक आ तक मत बताना अपना नाम भी मत बताना मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी कहानी ठीक है तो सदाओ यहाँ पर इस तरीके से रूडली उससे बात करके और यहाँ से चला गया हाना सदाओ का इस वक्त इंतजार कर रही थी आ, को देखकर वो समझ गया था कि हाना ट्रबल में है उसने कहा सदाओ युमी मुझे बता रही है कि सर्वेंट्स अब यहाँ पर नहीं रुकेंगे अगर हम इस इंसान को इसी तरीके से छुपाते रहे वो हमें कह रही है कि तुम और मैं इतने टाइम तक अमेरिका में थे कि हम लोग ये भूल चुके हैं कि हम जापानीज हैं और हमारी कंट्री हमारे लिए पहले आती है उन लोगों का तो ये मानना है कि तुम्हें और मुझे अमेरिकन पसंद है अब जैसे उसने ये बोला तो सदाओ ने कहा पागल वागल है क्या वो लोग Americans are our enemies, but I've been trained not to let a man die if I can help it. अरे अमेरिकन हमारे दुश्मन है पर मेरी ट्रेनिंग ऐसे हुई है कि अगर मैं किसी इंसान को बचा सकता हूँ तो उसे हंड्रेड परसेंट बचाऊंगा तो इतने में हाना ने कहा भाई तुम्हारी ये सारी ट्रेनिंग और ये सारी चीजें वो वो लोग नहीं समझेंगे ना मैं क्या कर सकती हूँ हाँ दोनों ने कुछ नहीं बोला और हाउस होल्ड पूरा जो घर परिवार है वैसे ही चलता रहा

ये बात हमें एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि जब वो इंसान मरने वाला था सॉरी वो कहते हैं कि हम हमारा जो ओल्ड मास्टर का बेटा है उसे ऐसे लगता है कि उसे क्या करना है एकदम अच्छे से पता है उसे भाई जब वो इंसान इतना करीब था मरने के तो उसे मरने क्यों नहीं दिया हाँ मरने क्यों नहीं दिया उसे वो यंग मास्टर इतना ज्यादा प्राउड है अपनी स्किल पे कि वो कोई भी जिंदगी बचा लेता है कुक ने बोला अभी इतनी बात तो गार्डनर ने बोली थी ये बात कुक ने बोली बोला उस इतना घमंड स्किल पे कि वो किसी भी जिंदगी को बचा सकता है कि वो किसी भी जिंदगी को बचा लेता है तो यहां पर ये उसने बोला इतने में इस कॉन्वर्जेशन में युमी ने क्या कहा युमी ने कहा इट इज द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक उन्होंने कहा विल बी इफ हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा अगर उनके पिता को एक देश द्रोही की तरह अरेस्ट कर लिया गया इन बच्चों की तो पूरी की पूरा फेट ही खत्म हो जाएगा इनका तो फ्यूचर में ही कुछ नहीं बचेगा अभी वो जो कह रहे थे वो हाना से कुछ भी नहीं छुपाना चाहते थे वो चाहते थे कि हाना आराम से इस बात को सुने वो ऑन पर्पज़ ये बात कह रहे थे और हाना को भी ये चीज़ अच्छे से पता थी एंड इतने में हाना बेचारी अपना काम करती हुई प्रिजनर के रूम में गई उसे पता नहीं था कि आ, इस इंसान का नाम भी क्या था पिछले दिन उसने उसने अपना नाम बताया था कि मेरा नाम टॉम है उसने बस उसको ऐसे बो किया एंड दैट दैट वॉज इट उसे ऐसा लग रहा था कि, कि परेशानी तो हंड्रेड है हालांकि सदाओं इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था हर दिन जाता था और केयरफुली वो उनको एग्जामिन करता था उसने स्टिचेस जो टांके थे वो भी खोल दिए थे अब उसे पता था कि पंद्रह दिन के अंदर ये इंसान एकदम वैसा ही हो जाएगा जैसा ये था अब वो अपने ऑफिस में गया और जाकर उसने एक लेटर टाइप करने का सोचा चीफ पुलिस uh, को रिपोर्टिंग द होल मैटर उसने लेटर में लिखा ऑन द ट्वेंटी फर्स्ट डे ऑफ फेबर एन एस्केप प्रिजनर वॉज वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माय हाउस इतना ही उसने लिखा था इससे ज्यादा उसने कंप्लीट भी नहीं किया इस लेटर को अपने सीक्रेट ड्रॉर में रखा और वहां से चला गया इसके बाद में सात दिन गुजर गए सातवें दिन जो है दो चीजें हुई सबसे पहली चीज सर्वेंट्स अपना सब कुछ लेकर वहां से घर छोड़कर चले गए वो अपनी बिलोंगिंग्स को लिए और घर छोड़कर चले गए आना को पता चल गया था कि वो लोग घर छोड़ने वाले हैं क्योंकि इतने दिन तक वो नहीं रुक पाते कोई भी काम आज हुआ नहीं था तो वो समझ गई थी कि सर्वेंट्स ने डिसाइड कर लिया है कि आज ही वो यहाँ से जाएंगे सारे के सारे लोग रो रहे थे पर आना नहीं रोई उसने एक अच्छी मिस्ट्रेस की जैसे उन लोगों को थैंक यू बोला उनके पेमेंट्स क्लियर किए और फिर उन्हें जाने दिया युमी रोती रोती वापस आई और कहा कि अगर बेबी को मेरी जरूरत हो तो मैं अपने घर जा रही हूँ मेरे लिए बुलावा भेज देना हाना ने सोचा बेबी को कितनी भी जरूरत हो मैं इस लड़की को बिल्कुल भी वापस नहीं बुलाऊंगी कोई बात नहीं इसके बाद में उसने सारा का सारा काम किया ब्रेकफास्ट बनाया सदाओं ने बच्चों का ख्याल रखा दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की एक दूसरे से हाना इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी और उसने कहा वाई इज इट वी कैन सी क्लियरली वॉट वी ऑट टू डू इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज हमें इतना साफ साफ क्यों नहीं दिख पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए अरे हमसे ज्यादा क्लियरली तो सर्वेंट्स देख सकते हैं हम बाकी जैपनीज से इतना डिफरेंट क्यों हैं? सदाव ने जवाब नहीं दिया पर इतने में थोड़ी देर बाद में वो रूम में गया प्रिजनर के पास और उसे कहा टुडे में यू मे गेट अप ऑन योर फीट आई वांट यू टू स्टे अप ओनली फाइव मिनट्स एट अ टाइम टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल वो गया और जाकर उसने कहा आज तुम अपने पाव पे पाँच मिनट खड़े रहोगे कल दस मिनट खड़े रहना यह बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें तुम्हारी ताकत वापस मिल जाए तुम भले चंगे हो जाओ और यहां से निकलो एनीवे वे यहाँ पे एकदम से आ, आ, उन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेसन हुई और टॉम ने यानी प्रिजनर ऑफ वॉर ने रिप्लाई किया आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माय लाइफ अब मुझे लगता है कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि आपने मेरा जीवन जो है वो बचाया है सदाव ने कहा मुझे इतनी जल्दी थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो एकदम से वहाँ से चला गया उसने तो ये भी नहीं पूछा कि भाई तेरे गर्दन पर ये जो स्कार्स हैं ये किस चीज़ के हैं आफ्टरनून में दूसरी चीज हुई असल में बात यह है की हाना अपना काम कर रही थी इतने में उसने सामने से मैसेंजर को आते हुए देखा मैसेंजर ने ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो हाना को लगा कि जरूर सर्वेंट्स ने जाकर बाहर पूरा मैटर बता दिया होगा और ये सदा को अरेस्ट करने आया होगा वो सदाव के टूअर्स भागी उसे सांस भी नहीं आ रही थी पर जैसे वो उसके पीछे भागी तो पीछे पीछे मैसेंजर भी आ गया गार्डन में और वो दोनों उसके सामने आकर खड़े हो गए <coughs> सदाओ ने अपनी किताब से नजरें हटाकर उसको देखा और पूछा क्या मैटर है भाई क्या हो गया? वो खड़ा हो गया गया वो वो खड़ा था क्योंकि इंसान यूनिफॉर्म में था तो उस इंसान ने रिप्लाई किया और कहा यू आर टू कम टू दैलेस पेन अगेन तुम्हें पैलेस के लिए बुलाया है क्योंकि ओल्ड जनरल की तबीयत खराब है वो फिर से दर्द में है हाना ने जैसे ये बात सुनी उसकी जान में जान आई उसने कहा बस इतना ही बोला और क्या करना चाहती हैं आप बोला नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था उसने बाद में सदाओ को ये चीज़ एक्सप्लेन भी की कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं मैं डर गई थी इतने में यहाँ पे सदाव ने उसे प्रॉमिस किया उसे रीअश्योरेंस दिए और कहा आई मस्ट गेस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक somehow I must get rid of him बोला तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए इस इंसान से जल्द से जल्द छुटकारा पाकर रहूंगा चाहे कैसे भी अब ऐसे में वो जनरल के पास चला जाता है और जाकर पूरी बात जनरल को बता देता है पर थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो यहाँ पर वो आ, मेंड कर देता है वो बताता है कि मैं इस इंसान को बचाना नहीं चाहता था पर यह ऑपरेशन मैंने इतना सक्सेसफुली कर लिया कि मुझे पता ही नहीं है कि इंसान कैसे बच गया मुझे तो लग रहा था ये इंसान मर जाएगा आप समझते हो ना तो जनरल ने कहा जी बिल्कुल मैं समझता हूँ और इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं प्रिंसटन से पढ़ा हुआ हूँ जा, जापान में बहुत कम लोग हैं जो प्रिंसटन से पढ़े हुए हैं तो जब जनरल तो अपनी तारीफें करने में यू नो अभी एकदम से ऐसे हो रखा था बोला देखो सर मेरे को ना इस इंसान की कोई परवाह नहीं है पर मैंने इतनी सक्सेसफुली इसको ऑपरेट कर लिया इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब और क्या मुझे करना चाहिए अब इतने में जनरल ने कहा कि यार इन चीजों को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए और तो बचा ही सकते हो अच्छा एक बात बताओ कि मैं कितने अटैक्स ऐसे और झेल सकता हूँ बोला जी बिल्कुल आप एक ही अटैक ऐसा और झेल सकते हो तो इतने में जनरल ने कहा फिर तो मैं तुम्हें और कुछ होने ही नहीं दे सकता वो एकदम से एक्सप्रेशन लेस हो गया और उसने कहा तुम्हें मैं अरेस्ट नहीं होने दे सकता मानो तुम्हें फांसी होने वाली हो और अगले ही दिन मेरा ऑपरेशन हो तो फिर क्या होगा तो इतने में यहाँ पे सदाओं ने कहा सर कोई बात नहीं मुझे फांसी पे चढ़ जाने दीजिए आप किसी और से ऑपरेशन करा लीजिएगा तो जनरल ने बोला मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है जो बेस्ट सर्जन है उन्हें जर्मन ने ट्रेन किया है और जैसे वॉर की कंडीशन चल रही है जर्मन मेरा ऑपरेशन करके शायद उस ऑपरेशन में मुझे मार के सक्सेसफुल दा देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई तुम्हारे जैसा आ, होगा जिस पे मैं भरोसा कर सकूं इसको एक अजीब सा अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर था खुद के जोक्स पे खुद ही हंस लिया करता था और अजीब अजीब से जोक्स क्रैक किया करता था सदाओ बेचारा इसकी बात सुन सुन के स्माइल कर रहा था अच्छा इतने में जनरल ने अपना सर हिलाया और कहा एकदम से उसको बड़ा वीक फील हो रहा था और एकदम से उसके सामने सारी की सारी चीजें चल रही थी और फिर उसने कहा It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep. I feel it so myself, Sadaw ne Kaha. बोला देखो यार मेरे को तो ये लग रहा है तुम्हारी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है ये इंसान तुम्हारे ही डोर स्टेप पे कैसे आया सदाओ ने कहा स... यकीन मानिए मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है तो सदाओ को उसने एक रास्ता सुझाया उसने कहा इट वुड बी बेस्ट इफ कुड बी क्वाइटली किल्ड ये बहुत अच्छा होगा अगर इस इंसान को चुपचाप मार दिया जाए तुम मत मारो कोई किसी ऐसे इंसान को मैं भेज देता हूँ जो उसे नहीं जानता है देखो मेरे कुछ प्राइवेट असैस है कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए ये गुंडागर्दी वाला मारकाट वाला काम करते हैं मानो अगर मैं दो अशासन को तुम्हारे पास में आज चलो छोड़ो किसी भी रात पर भेज दो और तुम्हें पता नहीं है कि कौन सी रात है बस तुम क्या कर रहे हो तुम एकदम दरवाजा खिड़की खोलकर रख रहे हो उस इंसान के लिए तो ऐसे में वो लोग आएंगे ठीक है

मैं कैसे कर सकता हूँ जिस इंसान ने उसको बचाया सदाव ने उस इंसान को बचाया है उसे बचाने के लिए सब दाव पे लगा दिया वो इंसान की सुपारी नहीं दे सकता बट उसने सोचा कि हाना का क्या इस इंसान से मुझे छुटकारा तो लेना ही पड़ेगा उसने हाना का के बारे में सोचा और सोच के कहा दैट पर वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी बिल्कुल आप ऐसा कर दीजिए मजा आ जाएगा ये सबसे बेस्ट चीज हो सकती है इसके बाद में बच्चों इसका एक छोटा पार्ट और बच रहा है जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जनरल uh, असैसेंस भेजते हैं नहीं भेजते हैं और इस इंसान का फाइनली क्या होता है अभी एक्चुअली मेरी एक क्लास है और आई विल गेट लेट फॉर दैट क्लास सो आई हैव टू लीव योर ठीक है एंड देन वील कंटिन्यू दिस इन पार्ट टू और हम कंटिन्यू करेंगे कि आगे फिर क्या हुआ आई विल शेयर आप मेरे आई होप आपने मेरे साथ, साथ हाईलाइट कर दिया आई विल शेयर द हाईलाइट ऑल्सो विथ यू टमोरो आफ्टर वी कम्प्लीट द सेकेंड पार्ट ओके सो सो दैट्स इट अभी तो आई हैव टू गो एल सी यू इन द नेक्स्ट वन आई होप यू इंजॉयड जहां तक अभी हमने पढ़ा है एंड यू अंडरस्टूड कि चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं सो एल सी यू दिन द नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डोट फिरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोट फर्गेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एफ टू रश द क्लास एम सॉ